ये है आपका पोल न्यूट्रिशन, और इसमें मैं डाल देता हूं। तो ये टोटल बॉक्स आ रहा है दो, तो ये रहा स्कूप जो कि निकला, जो लैब टेस्ट रिपोर्ट है मेरी उसके अकॉर्डिंग जो इसमें प्रोटीन निकला है वो निकला है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सप्लीमेंट्स वाला फैमिली पर, क्योंकि सिर्फ यूट्यूब चैनल ही परिवार है हमारा। तो आज हम फिर आज ना आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, और आप ही की डिमांड पर आज हम बात करेंगे, रिव्यू करेंगे और लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। किसके? पोल न्यूट्रिशन के आइसोलेट प्रोटीन के बारे में। दोस्तों पोल न्यूट्रिशन आइसोलेट प्रोटीन है ये, मतलब आइसोलेट प्रोटीन, समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको बेसिक, कि वे प्रोटीन को जब दूध से अलग करते हैं तो वो आता है कंसंट्रेट फॉर्म में, जिसके अंदर कुछ लैक्टोज वगैरह, आप कह सकते हैं शुगर वगैरह, मतलब जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। जब उसको फिल्टर करते हैं तो वो आता है आइसोलेट फॉर्म में, मतलब बेसिक फॉर्म हो गई कंसंट्रेट, उसको फिल्टर करते हैं तो आइसोलेट, उसमें से लैक्टोज वगैरह फैट वगैरह सारी चीज़ें अलग कर देते हैं, तो वो आइसोलेट प्रोटीन होता है। आइसोलेट प्रोटीन की जो बायोलॉजिकल वैल्यू भी बेटर होती है कंसंट्रेट से, और दोस्तों आइसोलेट प्रोटीन कॉस्टली भी होता है कंसंट्रेट से। तो लीनिंग, कटिंग, फैट लॉस, वेट लॉस गोल में मोस्टली यूज किया जाता है आइसोलेट प्रोटीन। वहीं पर पोल न्यूट्रिशन का आइसोलेट प्रोटीन जो मैं कहूंगा कि इस टाइम काफी मतलब पॉपुलरिटी जो है गेन कर रहा है, पर दोस्तों मैं बताना भी चाहूंगा कि पोल न्यूट्रिशन की कॉपी भी मार्केट में बहुत ज्यादा आ चुकी है, तो आपको उनसे भी बचना है, इतने सस्ते उतने सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना है, ओरिजिनल लेना है। ये कहां से? सप्लीमेंट्स वाला से। अब लैब टेस्ट रिपोर्ट क्या कह रही है, तराजू में कितना इसका आता है, वजन क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें हम इसमें डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो एंड तक देखेंगे ताकि पता लगे आपको यार पोल न्यूट्रिशन आइसोलेट प्रोटीन लेने लायक है भी या नहीं। तो यहां पर सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक इसके बारे में इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। पोल न्यूट्रिशन का है ये आइसोलेट, जो कि कंपनी न्यूट्रिशन फैक्ट्स में हमको क्लेम कर रही है, कह रहे हैं कि एक स्कूप है इसका 30 ग्राम का, पर हम मानेंगे नहीं, पहले नाप के देखेंगे 30 ग्राम का है भी या नहीं है। उसके अलावा यहां कह रहे हैं कंपनी की सर्विंग है 76, इसके अलावा यहां पर एक सर्विंग में आपको कैलोरीज मिल रही है 116, टोटल फैट है 0.5 ग्राम, जैसे मैंने बोला था आपको कि फैट इसमें से हटा देते हैं, मतलब मिनिमम टू मिनिमम फैट होता है 0.5 ग्राम ना के बराबर। कार्बोहाइड्रेट्स है मात्र 1 ग्राम, प्रोटीन यहां पर क्लेम कर रहे हैं 27 ग्राम, पर हम लैब टेस्ट रिपोर्ट भी जानेंगे कितना आया है इसमें प्रोटीन, तभी तो पता लगेगा। तो इसमें आपको जो है प्रोटीन का जो ब्लेंड मिल रहा है वो मिल रहा है आइसोलेट प्रोटीन और हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन। अब हाइब्रिडाइज वे प्रोटीन क्या होता है इसको बता देता हूँ। जब बहुत सारी स्टडीज कहती हैं यार हाइब्रिडाइज होता है नहीं होता है, चलो उसके बारे में नहीं करते, पर आइसोलेट प्रोटीन को भी और फर्दर प्रोसेस करते हैं, मतलब उसको और फिल्ट्रेशन प्रोसेस से निकालते हैं, तो आता है हाइब्रिडाइज फॉर्म, मतलब कह सकते हैं प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं हाइब्रिडाइज। तो इसमें आपको आइसोलेट और हाइब्रिडाइज से दोनों ही मिल रहे हैं। अब यहां पर ये तो होगी इंफॉर्मेशन। अच्छा, एक क्वेश्चन जो आपका बार बार लगातार आता है वो होता है क्या फीमेल्स इसे यूज कर सकती हैं? तो फीमेल्स भी इसे ले सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। अगर आप एक्सरसाइज करती हैं, प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना चाहती हैं, तो आप इसे जरूर ले अपने पोस्ट वर्कआउट में, पानी में। लीनिंग, कटिंग, फैट लॉस, वेट लॉस गोल के लिए थोड़ा प्राइस की भी चर्चा कर लेते हैं। तो प्राइस अगर मैं देखूं तो इसके जो इंपोर्टर हैं वो है एसएसएनसी, एमआरपी दिया हुआ है 7,999, बट सप्लीमेंट्स वाला पर इसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 100% ओरिजिनल विद जीएसटी बिल, करंट इंपोर्ट टैक्स, फ्रेश लॉट विदाउट एनी शिपिंग चार्जेस 6,500 रुपीज। ये एक चीज और मैं बताऊंगा कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आज, आप देख रहे हैं इसको मान के चलो 2 महीने बाद, तो ऐसा भी हो सकता है इसके प्राइजेस या तो अप हो जाए या डाउन हो जाए, क्योंकि इस टाइम जो है वे प्रोटीन के प्राइजेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो ये चीज आप माइंड में रखेंगे। तो चलिए अब करते हैं आगे की प्रोसेसिंग, ओपनिंग करते हैं सारी चीजें। तो अब हम यहां से कर लेते हैं इसको ओपन। जी हाँ, इसको यहां से ओपन करते हैं, इसकी सील यहां से हटा देते हैं। ये है आपका पोल न्यूट्रिशन आइसोलेट, तो यहां से मैंने ओपन कर दिया है। अच्छा, यहां पर वेरिफिकेशन वगैरह भी आप कर सकते हैं, उसके लिए भी यहां दिया हुआ है क्रैच कोड वगैरह। तो जब सारे काम कर रहे हैं तो ये काम भी हम कर लेते हैं, तो चलो इसको वेरीफाई भी हम करते हैं। यहां से हम कर लेते हैं इसको वेरीफाई, करते हैं यहां से स्क्रैच। इन्होंने दो प्रोसेस दिए हुए हैं, एक तो बार कोड को स्कैन करके और दूसरा सिंपली अपना जो है जीएमसी वालों की तरह आप इसको जो है वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहां पर आ गया ये कोड, तो चलिए इसको कर देते हैं सेंड। तो ये रहा मोबाइल मेरा और इसे करता हूं मैं एसएमएस। एसएमएस वाला प्रोसेस जो है मुझे इजी लगता है। दोस्तों मैंने यहां पर भेज दिया है, तो इसमें काफी बार टाइम लगता है, तो हम करते हैं इसकी वेट, यहां पर वेट करेंगे, तब तक आगे का काम अपना कर लेते हैं। तो आइसोलेट प्रोटीन पोल न्यूट्रिशन, तो दोस्तों अंदर देखिए सील कैसी निकलेगी, व्हाइट कलर की सील निकलेगी इसके अंदर, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये मैंने कर दिया यहां से ओपन, और ये फ्लेवर है आपका कौन सा, रिच चॉकलेट, और चॉकलेट की काफी अच्छी खुशबू भी इसमें से आ रही है। तो चलिए
अब हम देखेंगे स्कूप साइज इसका, अब इसका स्कूप कहाँ है ये देखना पड़ेगा। लकीली इसका स्कूप जो है मिड में ही मिल गया है, ज़्यादा अंदर नहीं है। तो ये रहा स्कूप, कंपनी यहाँ क्लेम कर रही है 30 ग्राम पर, यहाँ पर एक चीज़ लिख दिया है कंपनी ने ब्रैकेट में अबाउट, तो ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, कंपनी पहले से ही इस चीज़ को बोल चुकी है। तो दोस्तों ये हो गया है जीरो हमारा तराजू। तो चलिए इसकी स्कूप साइज देख लेते हैं कितना है। ये मैंने बिल्कुल जो है लेवल स्कूप लिया है, देख रहे हैं लेवल स्कूप है, और इसमें मैं डाल देता हूं। तो दोस्तों अबाउट कंपनी ने बोला था, शायद इसीलिए क्योंकि यहां पर जो है जो स्कूप साइज आया वो आया 28 ग्राम। जी हाँ, पर कंपनी 30 ग्राम कह रही है अबाउट, तो थोड़ा ऊपर नीचे भी चल सकता है। तो ठीक है, मतलब अबाउट जो उन्होंने लिखा है उसमें सारी चीजें जो है माफ हो गई हैं। तो स्कूप साइज जो है एक्यूरेट नहीं है, मैंने लेवल स्कूप लिया था, बाकी एक दो ग्राम ऊपर नीचे हो भी जाता है, ये भी मैं मानता हूं। तो दोस्तों 28 ग्राम है, चलिए अब इसको जो है मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, आप काफी बार पूछते हैं, जैसे इसका जो टोटल नेट वेट है वो है 5 LB, मतलब 2 किलो 268 ग्राम। आप पूछते हैं कि ये बॉक्स के साथ 2 किलो 268 है या बिना बॉक्स के, तो मैं बताना चाहूंगा ये बिना बॉक्स के, मतलब इसके अंदर जो प्रोटीन है उसका वेट है 2 किलो 268। मैं आपको दिखा भी दूंगा यहां पर, इस प्रोटीन को तो वापस डालें वरना 28 ग्राम की जो है कमी आ जाएगी। तो यहां पर देखिए मैंने ये लगा दिया है, तो ये हो गया है यहां पर जीरो। तो यहां मैं इस बॉक्स को अगर मैं तोलता हूं, ये मैंने रख दिया है बॉक्स यहां पर, तो ये टोटल बॉक्स आ रहा है 2 किलो 640 ग्राम का। कंपनी कह रही है 2 किलो 268, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका बचा हुआ जो 200-300 ग्राम का जो डिफरेंस है वो बॉक्स का है, मतलब इसके अंदर जो प्रोटीन है वो है आपका 2 किलो 268 ग्राम। ये चीज ध्यान रखेंगे आप, बॉक्स का वेट अलग से होता है, इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो चलो मैं करता हूं अब इसको मिक्स, एक स्कूप डालते हैं शेकर में। तो मैंने अपने आइडिया से पानी ले लिया है, और मैंने पानी लिया है जी कितने 300 ml ऑलमोस्ट। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो एक स्कूप इसमें डाल लेते हैं हम इसको। तो ये रहा स्कूप जो कि निकला था 28 ग्राम अबाउट पर कंपनी कह रही है। तो इसको कर लेते हैं हम शेकर में मिक्स, मिक्सिबिलिटी देखते हैं कैसी है इसकी, बाकी मैं फिर आपको टेस्ट भी बताऊंगा करके। सप्लीमेंट सोला का प्रीमियम शेकर है ये, जो कि सप्लीमेंट सोला की तरफ से आपको मिलेगा अगर आप लेंगे पोल न्यूट्रिशन का आइसोलेट। कंपनी की तरफ से नहीं मिल रहा है, पोल वालों की तरफ से ये मिलेगा आपको सप्लीमेंट सोला की तरफ से। तो ये हो गया होगा मिक्स, अब देखते हैं कैसा आया इसका। तो दोस्तों मिक्सिबिलिटी बिल्कुल ओके है, शेकर में मैंने किया है मिक्स, बिल्कुल ठीक है। कलर भी बिल्कुल चॉकलेटी है और झाग भी इसमें ज्यादा नहीं है। मैं इसको टेस्ट भी कर लेता हूँ, देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। तो टेस्ट ओके है, मिठास एवरेज है, पर मुझे ज्यादा मीठे फ्लेवर अच्छे लगते हैं, ये मेरा पर्सनल टेस्ट है। बाकी आप इसमें जो है थोड़ा सा मतलब पानी कम करेंगे तो मिठास आपकी और थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, और जो मिक्सिबिलिटी है वो काफी पतला शेक बनाए, तो वो तो आपके ऊपर है कि आप कैसे करेंगे कैसे नहीं। इसको मैं पी लेता हूं, मेरा भी प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने पी लिया। तो यहां पर अब तोला ताली घोला घाली सब कुछ हो चुका है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, लैब टेस्ट रिपोर्ट की। लैब टेस्ट रिपोर्ट क्या कह रही है, तो कंपनी यहां पर कह रही है जी एक स्कूप है इसका 30 ग्राम का, अबाउट 30 ग्राम का, जिसमें आपको प्रोटीन क्लेम कर रहे हैं वो 27 ग्राम पोल आइसोलेट। पर यहां पर जो लैब टेस्ट रिपोर्ट है मेरी उसके अकॉर्डिंग जो इसमें प्रोटीन निकला है वो निकला है 85.3%। इसका मतलब हुआ अगर हम उसको 30 ग्राम के हिसाब से जो है करते हैं कैलकुलेट, तो वो आएगा 25.6 ग्राम प्रोटीन। जी हाँ, तो लैब टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से जो है यहां पर जो प्रोटीन है वो कम आया है, पर ज्यादा कम नहीं है, मतलब 1-1.5 ग्राम का डिफरेंस है, और वो इतना जो है काफी बार लैब रिपोर्ट में भी ऊपर नीचे हो जाता है। तो सप्लीमेंट्स विला की तरफ से जो लैब टेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें पोल न्यूट्रिशन आइसोलेट को किया जाता है पास। जी हाँ, बिल्कुल पास है, 1-1.5 ग्राम का ऊपर नीचे चलता है। हाँ, अगर इसमें जो है लैब टेस्ट रिपोर्ट में आता 20 ग्राम 19 ग्राम तो हम कह सकते थे कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पर अब इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, ये ओरिजिनल वाला पोल आइसोलेट बिल्कुल पास है सप्लीमेंट्स वाला के लैब टेस्ट रिपोर्ट में। तो आप इसे ले सकते हैं, यूज कीजिए इसे,
पोस्ट वर्कआउट में पानी में प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए, इंस्टेंट मसल रिकवरी के लिए, लीनिंग कटिंग फैट लॉस वेट लॉस गोल में काफी अच्छा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। प्राइस है 6500। रिक्वेस्ट बस यही है कि कॉपी इसकी मार्केट में आ चुकी है तो इतना सस्ता उतने सस्ते के चक्कर में ना पड़े, ओरिजिनल ले सप्लीमेंट सलाह से। कोरियर सर्विस ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, आप कहीं भी बैठे जो है ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर तक ऑर्डर आएगा विदाउट एनी शिपिंग चार्जेस। और यहां पर जो है मैंने बताई दिया कि प्रीमियम क्वालिटी शेकर भी आपको गिफ्ट मिलेगा सप्लीमेंट सलाह की तरफ से। और हमारा लास्ट स्टेप रह गया है, क्या रह गया है कि यहां पर हम देख लेते हैं वो SMS आया है या नहीं आया। तो यहां अगर हम देखें तो SMS हमारे पास आ चुका है और SMS में है, यू हैव परचेज्ड ए जेन्युइन पोल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट बाय OSR इम्पैक्स विद कूपन ये। तो यहां पर बिल्कुल एक्यूरेट आया है, मतलब ओके है, SMS भी ओके है, सब कुछ ओके है। तो आप जो है इसको ऑर्डर करें सप्लीमेंट्स विला से और अपने फिटनेस गोल्स अचीव करें। बस रिक्वेस्ट यही है कि देखो इंटरनल चीज है ये, जैसे अभी मैं आपने देखा था मैंने इसको ऐसे गिलास में लेकर पिया था, मतलब पीने का मतलब ये अंदर गया है, अंदर क्या है, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, तो इनकी रिप्लेसमेंट नहीं है, ये कोई बाम नहीं है, यहां लगा लिया आपने तो कोई बात नहीं, चलो ज्यादा से ज्यादा जो है स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी इसको ट्रीट करा लेंगे, पर अंदर जा रहा है, अंदर कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। नकली की बात कर रहा हूं इसलिए सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको, ओरिजिनल लेना है। बजट नहीं है इस महीने, कोई दिक्कत नहीं, अगले महीने परचेस कर लेंगे, पर लेंगे तो ओरिजिनल और सप्लीमेंट्स विला से ही लेंगे, क्योंकि अब पूरा इंडिया कह रहा है कि सप्लीमेंट्स विला पे ही करेंगे हम भरोसा। तो इसलिए आप जो है इतना सस्ता उतना सस्ता नहीं, ओरिजिनल पोल आइसोलेट परचेस कीजिए सप्लीमेंट्स विला से। और हाँ, मैंने इसके टेस्ट को मार्किंग नहीं किया यार, मेरे ने बताया था ना आपको कि मुझे जो टेस्ट जो है एवरेज लगा इसका, क्योंकि मुझे मीठे ज्यादा पसंद है, कम मिठास वाला है, तो मैं इसको दूंगा 60 out of 100। ये मेरी पर्सनल मार्किंग है, बाकी लैब टेस्ट रिपोर्ट में ओके है, सब कुछ ओके है, सब मैंने आपके सामने बता दिया। इसके ऊपर आपको कोई पूछना है, कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछो, ऑर्डर करना है तो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, वीडियो चलेगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए। आज के वीडियो में नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।